हम दरिद्रम मरण भयम जै जगह पर ज्ञानी के पूजा नहीं हुई छे वही जगह पर दुख भय उत्पन्न नाश ई सब निश्चित रूप से छाय भ जाए तैं लिखे छथिन जे बालापन भी जवानी भी बालापन भी जवानी भी होगा बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आओ एक बहन जी की ओर से ऐसा प्रदान में एम्हर बेसी नहीं जाए एहि दुआरे जे काम गड़बड़ आ जाए छे कथी से रुपया से रुपया जे गवैया बजबैया के पड़ लगे छे तो मन की होइ छे जे हम ई कहिए कि ई कहिए कि ई कहिए शास्त्र कहिए जे रुपया के लालच में मानब रुपया के लालच में मानब झूठा धर्म कमाता है झूठा धर्म कमाता है अखन वाले का दूध जगत में जोर जोर मरदाते हैं धन वाले कंदूस जगत में जोर जोर मर जाते हैं। सात कैया जे जखन भगवान के असीम कृपा होइ छन सदगुरु के खलक मिला खाली रहा बहुत किया बकवास खलक मिला खाली रहा बहुत किया बकवास आ बाज हिलावे पालना तई में कौन स्वाद। कबीर साहब कहै छथि जे रास्ता पर आके झोड़ा भेटल खलक माने छै झोड़ा खलक मिला खाली रहा आ ओ खलिया झोड़ा भेटल भर्ती भेटे तो कोनो बात नहीं छै खलक मिला खाली रहा बहुत किया बकवास आ उठबैत जे कोई देखल तो कहै छै 10,000 हेतै सुनहार कहते नहीं रे कम कहे छे में 20 हेते तै 10 कहे छे अगला करत करत ओकरा करोड़ बना दे छे आ रहे छे ओकरा किछ नहीं। कबीर साहब कहे छे जे खलक मिला खाली रहा बहुत किया बकवास आ बाज हिलावे पालना तै में कौन स्वाद जे माता बहन के अपना बाल बच्चा नहीं हुई छे आ दोसर के धिया पुता लक कोरा लगा कर केतनो कतो अर्रा ले ले ओकरा आनंद भीतर से छे नहीं छे भीतर से आनंद तहिना कबीर साहब कहे छे आओ एक भाई के ओर से सेहो सत्संग गोष्ठी में इसका केस प्रदान भय सदगुरु इनका कल्याण करें तै कहे छथिन जे बालापन बीती जवानी भी बीती बालापन बीती जवानी भी बीती होगा बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। स्वर्ग से कोनो मानव अबै छै तकर आ नर्क से अबै छै तकर पहचान एहि पृथ्वीए पर छै और कतौ नहीं छै। इस सत्संग में मात्र स्वर्ग और नर्क के पहचान होइ छै की तऽ शास्त्र कहैया जे सुंदर बदनं मधुराच वाणी देखै में सुंदर होइ वाणी में मधुरता होइ सुंदर बदनं मधुराच वाणी सज्जने सुसंग नीक लोक से हुनका संगत होइ आत्मज्ञानी से संगत होइ सुभोजनं आ भोजन ओकर सुपात्र हेबाक चाही शाकाहारी हेबाक चाही तो स्वर्ग चिन्हानी पंच लक्षणं ई पांचटा लक्षण भेलै स्वर्ग से आ नर्क से जे मानव कोई अबैया तो लिखे छथिन जे रूपम कुरूपम कटुकाच वाणी सज्जने सुसंग कुभोजनं नर्क चिन्हानी पंच लक्षणं आ नर्क से जे आदमी अबैया तो ओकरा पांच साल लग जाने जितने हम आप व्यापार करने ले आए थे। कबीर साहब कहे जाए तो जीव के काल की जब व्यापारी जीव के काल की बनिया आत्मा पुरुष के जगरा देखे के भाई जे रामचरित्र मानस के जीव क्यों अध्ययन करी जाए थे। वही में मेन पूजा छे सदगुरु पूजा
लिखल गए तुलसीदास जी जे गुरु के वचन सुरत करी, गुरु के वचन सुरत करी, राम चरण मन लाग रखू बती जस गावत फिरे छन छन नव अनुराग। भैर जंगल में भगवान राम की गेलखिन तो गुरु के वचन के जे छे से स्मरण क के तब कतो आगा पैर छाऊ पैर दिलखिन। नतीजा की मिले जो उनका कोनो तरह जे छे से आफत आसमाने मिले। आओ दू भाई जी के ओर से सहयोग इष्ट का प्रदान मिले। शास्त्र कहिए जे नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी फोड़ देती है। अब बात चुपे दिल में जिंदगी को मोर देती है, बात चुपे दिल में जिंदगी को मोर देती है, बात चुपे दिल में जिंदगी को मोर देती है, बात चुपे दिल में जिंदगी को मोर देती है। एक बात से अहा के ठकाना लग सके केना तो जीव के कबे साहब कलकिन बनिया। साथ कहिया जब बनिया समुझ के लाद लगनिया, 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 बनिया समुझ के लाद लगनिया। आओ एक माता जी के ओर से 10% प्रदान भेल। सदगुरु हिनका कल्याण करें। तुलसीदास जी लिखे छथिन जे तुलसी जग में दोबारा, एक रुपया एक राम, आ राम से मुक्ति होता है तो पैसा से सबका। भगवान मुक्ति आके देता लेकिन अगरबत्ती के फैक्ट्री कतु भगवान के फ्री में नहीं, कोई मानव कर ले में पाई लागत ततबे ने। साथ कहिया जे टका ही धर्म। आज यदि बेला नव टोली वाला के सदगुरु साम्राज्य दिन छे तो एक मत भाकर हम सब पहिने बेर जे आयल रही बेला नव टोली में कभी लीला देखे ला तखन धिया पुता रह एक मुठी का चूड़ा आ एक मुठी का घोगनी बेटी आ केकरा के मर कहे वो बच्चा हम सब रही। आज देखियो जे समाज में एकता छे जे शास्त्र कहिया जे कोई चलता पद चिन्हों पर। कोनो बाप अगर बेटा के 5 कट्ठा जमीन अरज दिल के आ 5 के 5 रखने छे तो ओकरा कोनो बहादुरी नहीं छे। लिखे छथिन जे कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपना चिन्ह बनाता है। धन है वो आदमी जो अपना रास्ता इस संसार में बनवैया। अब शास्त्र कहिया जे जखन वो मालिक के कृपा हेते तखने हमरा आके जे छे से कल्याण बस। आओ एक बुआ के ओर से 10% से प्रदान में सदगुरु इनका कल्याण करे। आओ कहे छथिन जे जब ई मन जे छे बनिया व्यापार कर लेल छे, बनिया समुझ के लाद लगनिया, 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 बनिया समुझ के लाद लगनिया। ना तारिशता काम न आवे जात नहीं पर धनिया, ना तारिशता काम न आवे जात नहीं पर धनिया, तीन मन के पूजी राखे, तीन मन के पूजी राखे, बनिया बनिया समझ के लाद लगनिया, 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 बनिया समझ के लाद लगनिया। समझ कर तुलसीदास जी के जदीर जे समझ समझ कर समझ को समझो, समझ कर समझना बहुत भारी समझ है, आ समझ समझ कर नहीं समझते तो दुनिया के नजर में वो ना समझ है। अंग्रेजी के विद्वान कहिए जे विथ शेयर लपेट अपेक्षा
with share love and affection, you can get the 4 feet of knowledge. अगर पूरा जानकारी नहीं रहा तो संसार में आ सब जगह खतरा खा सके छी। दुनिया के तराजू पर अहाँ नहीं तुलू। कबीर साहब कहे छथि जे दुनिया के तराजू पर तौलल लबै तो अहाँ के बटखारा छोट भ जाए। तैं अहाँ पलड़ा पर चढ़ कर देखियो जे कतेक हम धर्म अध्ययन केने छी आ कते अधर्म अध्ययन के छी। तैं बतबै छथिन जे खुद को नाप तौल कर देख, अपने तौला जाओ दुनिया के नहीं तौलू। कबीर साहब कहे छथि जे खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। अहाँके कतेक ऐसे तो केना बतबैय तो शास्त्र कहे जे मन ही के भीतर बसी बाजा आ मन ही मन खरीदनहार। मन ही में लेन देन मन ही दुकान आ मन ही में मन के होत गुजरान। मन ही में लादे बाहर न जाए तो मन ही के पैदा तो मन ही में गाय आ मन ही में तर्जू मन ही में सिर। कही कबीर सब मन ही के फेर, ई मने के फेरा लक जे छै से ई संसार के रास्ता मिल छै। आओ एक बहन जी की ओर से 10 टका सत्संग गोष्ठी में प्रदान भेल सदगुरु हिनका कल्याण। दोसरो बहन के ओर से 10 टका प्रदान भेल सदगुरु कल्याण करन। और एक बहन जी के ओर से सेहो 21 टका प्रदान भेल। तैं ई मन जे छै से मने के तराजू पर चढ़ा कऽ हम अहाँ बटखा लिअ। तैं कहै छथिन जे तन तेरा पर झुका पलड़ा गुरु बैठा है डंडी पर। मन तेरा पर झुका पलड़ा गुरु बैठा है डंडी पर। पाप करो तो पुण्य घटेगा, पुण्य करो तो पाप। लगभग पलड़ा होता रहा तब नमर मिलेगा कब। को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। मन ही के भीतर बसी बाजा, मन ही के भीतर बसी बाजा आ मन ही मन खरीदनहार। मन ही में लेन देन मन ही दुकान आ मन ही में मन के होत गुजरान। मन ही में लादे बाहर न जाए तो मन ही के पैदा तो मन ही में खाए आ मन ही में तर्जू मन ही में शेर। तो कह ही कबीर सब मन ही के फेर। अष्टावक्र जी के जखन राजा जनक के जखन गुरु बनलखिन तो अष्टावक्र जी राजा जनक के कहलकन समय अष्टावक्र जी राजा जनक के कहलकन जे मन के हारे हार, मन के जीते जी। आ कही कबीर हरि पाई मन ही के प्रति। ई मन जे छै से मने के लऽ कऽ प्रतीत होइ छै आ मन जकरा नहि मानै छै तकरा ओ चीज के साधन नहि होइ छै। तैं ई संसार कहैया जे अपने अहाँ तराजू पर चढ़ि जाओ, अपने अहाँ चढ़ि आओ दुनिया के तुलियो। तैं कहै छथिन जे मन तेरा तर्जू का पलड़ा गुरु बैठा है डंडी पर। मन तेरा तर्जू का पलड़ा गुरु बैठा है डंडी पर। पाप करो तो पुण्य घटेगा, पुण्य करो तो पाप। जगमग पलड़ा होता रहा तब अमर मिलेगा कब। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। खुद को नाप तौल कर देख, तेरा बदी अधि किया नेक। बहुत एमे हमार सरगुण मत के संत महात्मा से उभर सके। देखियो जे शब्द राम छै ओहि राम शब्द के पकड़े के लेल कबीर साहब कहलखिन जे कबीर खोजा राम को, कबीर खोजा राम को गया जम्बू दीप। राम घट भीतर में रम रहा जो आवे प्रतीत।
रमई वाला जे राम है हमरा के काया के अंतर्गत में वो जय अंदर में से बारो मुई के शास्त्र कहिए जे जो रम रहा संसार में पूरा विश्व में शास्त्र कहिए जे जो रम रहा संसार में वह राम को ही और है ये रमन करे वाला छे शास्त्र कहे एक राम घट घट में बोले आ दुई राम दशरथ कर डोले आ तीजे राम है सकल पसारा आ चौथे राम है सबसे न्यारा आ जे बात पकड़ना हार छे ऐसे की कहे छे जे वही राम घट घट में बोले वही राम दशरथ कर डोले वही राम है सकल पसारा आ वही राम है सबसे न्यारा वह मालिक जी सबसे नियम छे। कबीर साहब की कहे छथिन ध्यान दियो कबीर साहब के शब्द अनोखा होय छे उ कहे छथिन जे एक राम घट घट में बोले आ दुई राम दशरथ गढ़ डोले आ तीजे राम है सकल पसारा चौथे राम है सबसे न्यारा आ पांचम राम भजई जो कोई तो आवागमन तिनको नहीं हुई। अगर पांचम राम शब्द जे लिखबे तो ओमे पांच टा अक्षर होय छे तब राम शब्द जे छे से शुद्ध भा सकैया ते सात पुराण ई बात के दर्शबैया जे जकरा मालिक देने छे तकरा की नहीं करे छे। कवि कहैया जे धनी गरीबी के पर्दे पर झूले रे सम के जोरे धनी गरीबी के पर्दे पर झूले रे सम के जोरे कहीं पपीता मांग रहा है कहीं पपीता मांग रहा है माँ कपन चौराहे पर कहीं पपीता मांग रहा है माँ कपन चौराहे पर कहीं पपीता मांग रहा है माँ कपन चौराहे पर जकरा मालिक नहीं देने छे से की करे छे एकदम उ निराश भेल रहे छे ते हमरो आके के जे छे से सदगुरु के ओ कृपा हेबाक चाहिए जे ओ मालिक हमरा आके काट आओ हमर सरकार के ओर से 21% से सरकंडी में प्रदान भेल हमरा ओर से इनका त्रिपेखन साहबंदगी 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 आओ हम तो बेसी आगा एहि दुआरे नहीं जाएब जे रुपया एहन चीज है एक बुढ़ा सरकार के ओर से 21% प्रदान भेल सदगुरु कल्याण करें और एक बहन जी के ओर से 10% प्रदान भेल आओ हम अहाँ फिक्र किछ नहीं करू साथ कहिया जे जीव तू मत करना फिकरी 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 तप करके हरना कंस राजा पर पयो जबरी तप करके हरना कंस राजा पर पयो जबरी लोह लकर से मरियो नाही लोह लकर से मरियो नाही मरियो न कभी दरी जीव तू मत करना फिकरी 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 जीव तू मत करना फिकरी। प्रहलाद जी के चैत महीना मंगल दिन मृगेश्वरा नक्षत्र में प्रहलाद जी के जन्म छे मंगल दिन मृगेश्वरा नक्षत्र अन्हरिया आए रहे खम्मा में बांध दिलखिन पूछलखिन पिताजी जे प्रहलाद इस खम्भे में भगवान है
तब प्रहलाद कहलखिन पिताजी इस खम्भे में मैं मोय तो में खड़क में खम्भे में है रहा आ मुहे दिखत तुहे ना ही पिता बिना जपे नाम हरि नाम कहलखिन जाले अहाँ देखायब रे ताले नहीं मान चल गए तलवार लगे हरिनाकश्यप आओ हमर योगी साहब के ओर से ऐसा संघ गोष्ठी में 21% प्रदान भेल सदगुरु इनका कल्याण करें आ अहिना हम तो पूरा नवटोली वाला के कह हम कलो ही बात कहने रही जे जतो कतो जाए लेकिन निर्गुण हो या सरगुण हो जे संत महात्मा के आदर मान सम्मान बेला नवटोली में अखनो हो सत ज्ञान के अंतर्गत सब जगह उत बढ़िया जगह नहीं है किछ ने किछ मन में आके कचक रहते जाए अहाँके ते हमरो आहा के जे छे से धीरे धीरे ई जीवन बीतल जा रहल है कहै छथिन जे खंभा में बांध देल किला कहलखिन प्रहलाद उसमें भगवान है कहलखिन पिताजी उसमें भी भगवान है कहि तो देलखिन लेकिन साथ कहै कि जे जखन खंभा में बनल के तखन कहै छथिन जे कठिन प्रेम के पाले पर करे कठिन प्रेम के पाले पर करे प्रभु का नियम बदल दे देखा अपना मान भले चल जाए भक्त मान न चल दे देता अपना मान भले चल जाए भक्त मान न चल दे देता अपना मान भले चल जाए भक्त मान न चल दे देता द्रौपदी महारानी दुर्वासा ऋषि के एक बिता साड़ी फैर कर देने रहते बेसी नहीं एक बिता दुर्वासा ऋषि कहलखिन बेटी द्रौपदी 999 सुत के विपत्ति से कोनो संत महात्मा के तन के ढेक दिलिए तो 999 साड़ी के जरूरी पड़त तो भगवान के पैर पछा नहीं हेतु महाभारत में दुशासन 998 साड़ी द्रौपदी के खींच देने रहे आ कौने रहते कते 999 998 खींच देने रहे आ 99 पर गेले तो एतेक साड़ी हुआ लगले जो एकाएक अपने जे छे से पिछली धोल अर्रा का खोस मर ले तब प्रहलाद काल के पिताजी उसमें भगवान है जखन कान सटल के तो नरसिंह भगवान अवतार हो गए भगवान के अवतार नरसिंह अवतार धरभरिया अवतार छे तै कहे छथिन जे तप कर के हरना कंस राजा पर पायो जबरी तप कर के हरना कंस राजा पर पायो जबरी लोह लकर से मरियो नाही लोह लकर से मरियो नाही मरियो न कभी तरी जीव तू मत करना भिखरी 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 साहब जी हाँ आब आस हिनकर घर सुगौना